फीड कराती हूँ उनके लिए नर्सिंग ब्रा इज वेरी हेल्पफुल मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में बहुत यूज किया है सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड टू चेक दैट आउट बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे सारे प्रोडक्ट्स के सो लेट गेट स्टार्टेड सो इफ यू य मदर तो आपके लिए बहुत सही ऑफर चल रहा है विच फॉर ट्वेल्व में आपको दो नर्सिंग ब्राज मिल रही है एंड दे आर रियली हेल्पफुल शो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट आउट यू कैन ऑलो यूज माई कोड सिमरन टू टू गेट एक्स्ट्रा टू हंड्रेड डिस्काउंट ऑन योर ऑर्डर वैल्यू ऑफ थाउजेंड रुपीज थाउजंड या थाउजेंड से ऊपर की जब भी आप शॉपिंग करेंगे आपको दो सौ रुपए का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा एंड ये वाला ऑफर जो है आप नंबर फ टाइम्स यूज कर सकते हो तो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट लेट्स गट स्टार्टि विद द वीडियो नाउ एंड दे ऑल्सो हैव कैश ऑन डिलिवरी अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया एंड दे हैव फिफ्टीन डेज रिटर्न एन एक्सचेंज पॉलिसी तो अगर साइज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है थोड़ा गड़बड़ होता है तो यू कैन डेफिनेटली एक्सचेंज ऑर प्रोडक्ट सो लेटगेस स्टार्ट विद द वीडियो टू डे सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज दिस ब्रा एक्चुअली आई एम ऑर्डरिंग दिस फॉर द सेकेंड टाइम आई हैव सेम अदर ब्रा इन एक्जैक्टली सेम पैटर्न एक्जैक्टली सेम कलर एंड दे आर सुपर कंफर्टेबल स्पेशली डेली वाई के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है So this is basically a nude bra which has this detailing in the मिडल और उसके अलावा इसका फिटिंग वगैरह भी बहुत सही आता है स्पेशली आई लव द स्ट्रैप्स इसमें बहुत सही डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पे एंड ये बहुत कंफर्टेबल भी रहती है साथ साथ एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस कंफर्टेबल फिटिंग दिस इज दाइज थर्टी फोर बी यू कैन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर साइज़ अब इसमें देखो क्या होता है कि आप जब भी कोई भी आउटफिट पहन रहे हो बहुत सारे आउटफिट ऐसे है होते हैं जो कलरफुल होते हैं एंड यू वॉन्ट अ बेसिक ब्रा फॉर दैट जो व्हाइट और ब्लैक नहीं चल सकता फॉर दैट यू शुड हैव न्यूड ब्राज मेरे पास लाइक मेजरली न्यूड ब्राज हैं क्योंकि वो मेरे सारे आउटफिट्स के नीचे चल जाती हैं सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग तो इसलिए न्यूड ब्राज शुड भी देर इन योर रो वन मोर न्यूड ब्रा भी है वो थोड़ा डार्क कलर था ये थोड़ा लाइट कलर है एंड दिस इज दिस काइंड ऑफ ब्रा ये भी लगभग सिमिलर पैटर्न है इज जस्ट दैट कि इसमें कप साइज थोड़ा सा बड़ा आता है कंपेरेटिवली एंड इसमें भी आपको यहाँ पर uh, हुक मिल जाएंगे पीछे सो अगेन दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल इन डे टू डे यूज़ फॉर सूट्स एंड योर ब्लाउज स्पेशली इफ यू गो टू ऑफिस ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है एंड काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है अनादर ब्रा इज़ अ पैडेड वन पैडेड ब्रा होना भी बहुत जरूरी है बिकॉज बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो आपने बहुत यू you नो know, मन से ख़रीदे होते हैं एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव उनके नीचे पैडेड ब्रा पहनो उससे क्या होता है कि लुक और फिगर बहुत अच्छा आता है तो उसका लुक जो है वो खराब नहीं होता सो दिस इज द पैडेड ब्रा हैव दिस इज इन ब्राउन कलर एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसके पैड्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है एंड दे आर नॉट डिटैचेबल ये अंदर ब्रा में ही आए हैं एंड एंडर सुपर सुपर कंफर्टेबल आपको फील नहीं होगा आपने कुछ हैवी पैडेड पहना है तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड इसका जो स्ट्रैप है साइड का वो भी काफी चौड़ा दिया गया है टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड तो ये वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई दिस इज इन द साइज सड़ी फोर बी सो वी हैव दिस रियली इंटरेस्टिंग ब्रा ऑल्सो जिसमें ना थोड़ा मैश का डिजाइन है इफ यू रियली लाइक फैंसी ब्रास तो ये आपको ट्राई करना चाहिए इट हैज़ दिस मैश डिटेलिंग ऑन द टॉप और बाकी इसमें चौड़ा इस तरीके से यहां पर आपको स्ट्रैप मिलता जाता है तो बैक इसका एकदम बेसिक आया है तो ये भी काफी कंफर्टेबल डेली वेयर टी शर्ट स्ट्रेचेबल ब्रा है जो कि आप आराम से डेली वेयर में पहन सकते हो इट इज कंफर्टेबल एज वेल एज इट हैज सम काइंड ऑफ फैंसी लुक एंड ये भी मैंने थर्टी फोर बी में ही लिया है अनदर ब्रा इज़ अ हॉट पिंक ब्रा एक्चुअली ये आपके डीप नेक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो भी थोड़ी सी ऐसे डीप वी नेक में uh, uh, जो ब्रा होती है ना वो आपके डी नेक्स पे बहुत अच्छा काम करती है बिकॉज सब सारी ब्रा आप डीप नेक ब्लाउज पर या फिर सूट्स uh, पर नहीं पहन सकते तो उनमें थोड़ा सा डीप प्लन्ज नेक वाला आपको ब्रा खरीदना चाहिए समथिंग लाइक दिस एंड वी नेक एंड एस अ ब्यूटिफुल कलर पिंक ये जो उसके स्ट्रैप है ये भी काफ़ी कम्फर्टेबल देंगे ऑब्वियसली इनकी ब्रा में कोई इशू नहीं है बिकॉज आई पर्सनली यूज देम एंड दे आर क्वाइट स्ट्रेचेबल सो दिस इज़ अस T shirt bra again in the size 34B. I also ordered a fancy bra because I wanted to try it. I generally wear t shirt bras or simply padded bras. सो आई हैव दिस रियली अमेजिंग कभी कभी होता है ना कि यू वॉन्ट टू पैम्प योर सेल्फ एंड यू जस्ट वॉन्ट अ ब्यूटिफुल ब्रा जो कि थोड़ा लेसी पैटर्न में हो बिकॉज बहुत लोग प्रेफर करते हैं लेसी वाली ब्राज सो आई बॉट वन टू ट्राई दिस जनरली आई डोंट केयर बट फिर भी सो um, so ये बहुत ही सुंदर साइज में पैटर्न दिया गया है ऊपर से इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है इट हैज दिस ब्यूटिफुल डिटेलिंग एट द बॉटम एज वेल ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लेस है आपको फील भी नहीं होगा यूर वेरिंग समथिंग एक्स्ट्रा मतलब लगता है ना ये कुछ हैवी कुछ अलग सा पहन लिया वैसा पहले इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड दिस इज द बैक सो इफ यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू सम फैंसी काइंड ऑफ ब्रास तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं दे आर अफोर्डेबल एज वेल एज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी गिव्स यू अ वेरी नाइस सपोर्ट और ये वायर्ड ब्रा हैं तो दे गिव्स यू अ वेरी नाइस सपोर्ट एट द बॉटम तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इनके बारे में दे आर कंफर्टेबल एज वेल एज दे आर ऑफ गुड क्वालिटी सो ये वाली ब्रा आप ट्राई कर सकते हो और ये थोड़ा कॉर्सेट वाला फील आता है इसमें ऊपर से तो मैं जितने भी लॉन्चरी हॉल करती हूँ उसमें शेप ना वैसे तो हो ही नहीं सकता आई ऑर्डर दिस सारी सेप शेप वेर एंड ग्रीन कलर बिकॉज मुझे बहुत चाहिए होते हैं एंड इनकी जो बेस्ट बात है शाया वे से मैंने जितने भी आज तक मंगाए हैं दे आर सुपर सॉफ्ट ये इरीटेट नहीं करते बिकॉज मैंने कुछ ब्रांड्स के देखे हैं जो यहाँ पर बहुत टाइट हो जाते हैं यू कॉन्ट इवन ब्रीद इन दैम ये वो ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो आप तो ये थोड़े सॉफ्ट वाले आते हैं शाया वे पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऊपर इस तरीके से सॉफ्ट ये स्ट्रेचेबल होता है बैंड और जब हिप पोर्शन तो बहुत ही ज़्यादा स्मूद होता है इसका इस तरीके से अलग से फैब्रिक मिलता है इसमें जो कि अगेन बहुत सॉफ्ट है एंड दिस इज द बॉटम सेक्शन तो इसमें दोनों साइड कट मिलता है दिस इज द बेस्ट पार्ट शेप वेयर में दोनों साइड कट होना जरूरी है क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है एंड अगर एक ही साइड कट होगा तो अनकंफर्टेबल तो हो सकते हो वॉकिंग में अगर सिर्फ एक साइड कट होगा दोनों साइड कट होगा तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको शेप वेयर खरीदना है तो दो तीन चीजों का जरूर ध्यान रखना एक तो वो ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए हिप पोर्शन से बहुत ज्यादा मोटा वाला उसका कपड़ा नहीं होना चाहिए इट शुड बी वेरी सॉफ्ट एंड नाइस और दूसरा दोनों नीचे कट होना चाहिए डिफरेंट